मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। कमलनाथ सरकार ने किसानों को सिर्फ कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दिए और किसान डिफाल्टर हो गया है। कांग्रेस के समय वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना हुआ था, इन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बड़ी विचित्र पार्टी है। पहले सिंधिया जब कहते थे कि वचन निभाओ, काम करो, नहीं तो जनता की बात करने मुझे आना पड़ेगा, तब उनसे कहा गया जो करना है करो, सड़क पर उतर जाओ, तब उनकी बात सुनी नहीं। अब जब सरकार चली गई तो उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। शिवराज ने कहा कि पार्टी के लोकप्रिय नेता को कोई इस तरीके से ट्रीट करता है क्या? शिवराज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया गया था। रोज पैसे के लेन देन की बात होती थी। विधायक बताते हैं कि वे मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते थे। शिवराज ने कहा, मुझसे एक पूर्व मंत्री ने बताया कि मैं आपके कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री के चैम्बर में आया हूँ। कमीशन और दलाल वालों ने पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय ने कमलनाथ को धोखे में रखा है। कमलनाथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्हें पता भी नहीं चला। शिवराज ने कमलनाथ की किसान कर्ज माफी को धोखा बताते हुए कहा कि कमलनाथ ने किसानों को प्रमाण पत्र बांट दिए और किसान डिफॉल्टर हो गया। देखिए, कांग्रेस बड़ी विचित्र पार्टी है। पहले जब सिंधिया जी चेता रहे थे, वचन निभाओ, वादे पूरे करो और नहीं तो जनता की बात करने मुझे आना पड़ेगा, उनसे कहा कि जो करना है कर लो, सड़क उतरना उतर जाओ। अब एक पार्टी के लोकप्रिय नेता को कोई इस ढंग से ट्रीट करता है क्या? दूसरी बात, जो लोग सवाल उठा रहे, कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, वो तो एक बार चलता, लेकिन मध्य प्रदेश के सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बना दिया था कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार रोज पैसों के लेन देन की बात होती थी, ठेकेदार, बाकी लोग, विधायक मिल नहीं पाते। मुझे तो एक पूर्व मंत्री ने कहा कि हम तो पहली बार मुख्यमंत्री के चैम्बर में आए, नहीं तो एमएलए जाते थे, चलो 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 हो गया। मैं तो पहले दिग्विजय सिंह से सवाल पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ को धोखे में क्यों रखा? कमलनाथ जी इतने हैं, चिंता मत करो, राजा साहब छाती ठोक के घूमते रहे, और कब कमलनाथ जी के पांव से जमीन खिसक गई पता नहीं, और उस व्यथा को वो खुद भी कह चुके। ज्योतिरादित्य जी पे सवाल उठाने वाले, उंगली उठाने वाले, पहले अपने गिरेबा में झांक के देखें। हर एक को कांग्रेस ने छला, कर्ज मुक्ति का बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे, कुल 6000 करोड़, मैंने पूरा हिसाब देखा, और 6000 करोड़ भी पूरे पैसे नहीं दिए, कागज दे दिए, कहीं प्रमाण पत्र लेके लोग घूम रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।